नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। दोस्तों अभी अभी सेकेंड डे सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, तो हम प्रतिभागियों से जानेंगे कि आज का जो पेपर है सेकेंड शिफ्ट का वो कैसा रहा है। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय है। आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 160 किया है। अभी जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर रहा वो पूर्व का जो पेपर हुआ है उसकी तुलना में कैसा रहा, कुछ नया देखने को मिला? बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल, जिसका हर सब्जेक्ट से उठाया था एकदम सिंपल था। हमको लगता है इसे कटापे 150 मतलब 145-40 के पास बनेगी। जैसे कि UPPCL जाना जाता है कि हर शिफ्ट में जब भी पेपर कराता है तो कुछ ना कुछ नया सरप्राइज करता है, तो ऐसा लगा कि कुछ सरप्राइज किया है या एक ही सेक्शन से भर के क्वेश्चन? एक सेक्शन से नहीं था, सभी से था। मैथ के क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी था, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब क्वेश्चन थे। मैथ के जो क्वेश्चन थे वो फार्मूला बेस्ड थे, आसानी से हो जा रहे थे या टाइम टेकिंग थे? हाँ, सिंपल भी थे, ज़्यादा टफ नहीं थे, सिंपल थे, आसानी से हो जा रहे पेपर थे। पेपर बहुत सिंपल था। ये जो नॉन टेक का सेक्शन था, नॉन टेक ही, हाँ, इसका नॉन टेक थोड़ा रीजनिंग लेंदी था, GS वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ थे, जैसे नॉर्मल हिस्ट्री नहीं पूछ करके वो पूछा था दक्षिण भारत की हिस्ट्री, चोल साम्राज्य राजकूट वाले ये सब। मतलब पेपर ओवरऑल देखा जाए तो बैलेंस था, ये सबसे बेस्ट सिंपल पेपर था। चलिए बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आइए अगले प्रतिभागी से बात करते हैं। जी आपका सुनना। अजीत यादव। आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 180। जो पेपर रहा आपकी तैयारी के अनुरूप था, सिलेबस के आधार, सिलेबस पर आधारित था या हट के था? नहीं, सिलेबस के आधार था बिल्कुल, क्योंकि UPPCL का ट्रेंड रहा है कि जब भी पेपर कराता है तो कुछ ना कुछ नया जरूर सरप्राइज करता है, लेकिन अब तक का आज इस शिफ्ट का रिकॉर्ड रहा है या इस सीरीज का अगर कहा जाए, जो पिछले 3 पेपर हो गए हैं, हर शिफ्ट में बैलेंस पेपर पूछा है, मैथ्स नया किया है, कुछ पर्यावरण से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इस बार कोई नया नहीं रहा, सिंपल पेपर था। अभी जो शाम का शिफ्ट हुआ है इसमें पर्यावरण से क्वेश्चन देखने को मिले हैं? नहीं, पर्यावरण नहीं था। IMRE और IMED थे। जो कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मशीन, पावर सिस्टम, स्विच गियर प्रोटेक्शन, उससे क्वेश्चन कैसा था? जो बेसिक से तो क्वेश्चन बहुत कम थे, बेसिक से बहुत कम। जो मशीन है, मशीन से काफ़ी क्वेश्चन थे, और जो हमारे BEE से बहुत कम, और ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं थे, थ्योरी बेस्ड सारे क्वेश्चन थे, और जो ट्रिकी थे सब। जो लड़के तैयारी के दौरान किताब प्रेफर करते हैं और जो डिप्लोमा की बुक है, तो अगर देखा जाए जो भी प्रतिभागी प्रतिभाग करके निकल रहे हैं तो उनका एक अनुभव होता है, क्वेश्चन देखने से पता चलता है कि डिप्लोमा के बुक से क्वेश्चन आ रहा है या जो कम्पिटेटिव बुक हैं जिसका अध्ययन करते हैं उससे आ रहा है? नहीं, इसमें डिप्लोमा की बुक से आ रहा है, जो डिप्लोमा की बुक से, जो जम जड़ की जो नॉर्मल चीज़ें वो आ रही है इसमें, बेसिक आ रहा है एकदम से। नॉन टेक के सेक्शन का बात किया जाए तो जो रीजनिंग का सेक्शन था वो कैसा था? बहुत हार्ड था, रीजनिंग टफ था, रीजनिंग बहुत टफ था। बर्ड रिलेशन से भी क्वेश्चन थे? नहीं, बर्ड रिलेशन से एक क्वेश्चन था, वो भी अच्छे नहीं थे, जो कि उसके आउट है। कोडिंग डिकोडिंग नहीं थे, कोडिंग डिकोडिंग कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, और ये जो सीरीज का क्वेश्चन आता है वो भी नहीं था? सीरीज नहीं था। अगर GS का बात करें, मैथमेटिक था, रीजनिंग मैथमेटिक था। अच्छा, कैलकुलेटिव था, मतलब जो कि इंटरेक्शन और समाकलन से क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में भी? रीजनिंग में। अच्छा, तो ये तो सरप्राइज किया है कुछ ना कुछ। GS का अगर बात करें तो GS में बहुत कठिन, GS उसे अनुमान से अलग, मतलब JEE लेवल से थोड़ा सा अपर है, काफ़ी हटके, लगभग उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि समझ में आ रहे थे। और तो और करेंट अफेयर का बेटे था वो? करेंट अफेयर का एक क्वेश्चन था सिर्फ, ओनली पर एक क्वेश्चन। कब से था, मतलब लेटेस्ट ही था या बहुत पीछे का? बहुत पीछे, जो 2 कोरोना महामारी में जो बैंक के बारे में पूछा जाता क्वेश्चन था उसी। और जो हिंदी का सेक्शन था तो हिंदी से कैसे प्रश्न देखने? हिंदी का सेक्शन तो नॉर्मल थे, कोई हिंदी नॉर्मल था, मतलब आसानी से हो जा रहा था, मुहावरा, संधि विच्छेद, समास, ये सब सब थे, सब थे। मतलब नॉन टेक में रीजनिंग थोड़ा सा जो है कि लेंदी बनाया है, बाकी ओवरऑल टेक्निकल सही है, टेक्निकल सही था, सिंपल टेक्निकल था। आपके हिसाब से क्या कट ऑफ जा सकती है? हमारे हिसाब से 150 जाएगी, 150 इससे कम नहीं जाना चाहिए। जो भी प्रतिभागी जो JEE एस्पिरेंट हैं, जो किसी भी डिपार्टमेंट के JEE लेवल का तैयारी करते हैं, JEE एग्जाम का तैयारी करते हैं, उनको आप तैयारी के संदर्भ में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा कि आप पहले तो जड़ मजबूत करिए, क्योंकि ऊपरी पढ़ने कुछ ना करिए, पहले थ्योरी की नॉलेज पूरी गहरी लीजिए, तब ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए। जब थ्योरी की नॉलेज आपका बेहतर हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव आसानी से लगने लगेंगे। तो आपको, हम किसी भी प्रतिभागी तैयारी करना चाहता है, इच्छुक है इस क्षेत्र में, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा किया है, तो उसको मैं यही कहूँगा कि पहले तो अपनी जड़ मजबूत करें। डिप्लोमा में होता है कि लोग शरण गाइड्स पढ़ के पास होकर चले आते हैं और फिर ऑब्जेक्टिव कोचिंग की तैयारी कर लेते हैं, नहीं, पहले आप डिप्लोमा की बुक को पूरी जड़ से निचोड़ के पढ़िए, ढंग से पढ़िए, तब जाके आपको सिलेक्शन मिल सकता है। आधार वहीं से बन पाएगा डिप्लोमा के बुक से, डिप्लोमा की बुक पढ़ते हैं ढंग से, यही मेन आधार जो है कि डिप्लोमा की बुक पढ़नी ही पढ़नी है आपको। और जो हमको, हमारे जैसे मानना है कि UPPCL के लिए आपको जड़ मजबूत वहीं से होगा, डिप्लोमा की बुक है, उसको बारीकी से पढ़ लेते हैं,
तो उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक लगाते तो आपको 100% सिलेक्शन कम समय मिल सकता है। चलिए, बात बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर आपकी सफलता सुनिश्चित करें। थैंक यू सर। और अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है, आ जाइए। हाँ आइए, हम अगले प्रतिभागी से बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? कोचिंग वाले हैं, मेरा नाम अरुण कुमार पांडे है। आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? मैंने तो क्वेश्चन 151 किया है। जो सेकंड शिफ्ट का पेपर का लेवल था, वो पूर्व के जो शिफ्ट में परीक्षा संपन्न हुआ है, कैसा था? नहीं, पूर्व के बारे में मुझे पता तो नहीं है, लेकिन आज के बारे में बता सकता हूँ। तो आज का जो पेपर रहा सेकंड शिफ्ट का, उसमें क्या नया देखने को मिला? कुछ खास नहीं, सिलेबस पूरा सिलेबस का था, क्वेश्चन पूरा बैलेंस संतुलित पेपर बनाया हुआ था। मतलब हर सेक्शन को टच किया? हर सेक्शन को टच किया हुआ है। जो पूर्व की परीक्षा हुई है पूर्व शिफ्ट में, उसमें लड़के बताए हैं कि IMRI, IMED और पर्यावरण से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो इस शिफ्ट में क्या रहा, उसका कुछ वेटेज था या बिल्कुल नहीं? सब पर्यावरण का भी था इसमें, और मैटलैब का भी था, PLC स्काडा का भी था। जो कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं, जैसे मशीन है, पावर सिस्टम है, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया जैसा कि हमने बताया, और कंट्रोलिंग है, स्विच गियर प्रोटेक्शन है, उसका वेटेज कैसा रहा? हाँ, इसका भी था क्वेश्चन, स्विच गियर प्रोटेक्शन का भी था, और ये मशीन का भी था, DC मशीन का भी था, AC मशीन का। नॉर्मली क्वेश्चन हो जा रहे थे या टाइम टेकिंग? हो जा रहे थे, टाइम टेकिंग नहीं था। हाँ, थोड़ा सा इसमें रीजनिंग टफ था, और मतलब रीजनिंग टाइम के हिसाब से मतलब टफ था, इस वजह से टाइम ज़्यादा ले रहा था। यही लेवल पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा रीजनिंग घुमाया? हाँ, रीजनिंग घुमाया हुआ था, जो टाइम ले रहा था ज़्यादा। और हिंदी का सेक्शन था वो कैसा रहा? हिंदी का भी थोड़ा सा कह सकते हैं हम लोगों के लिए, मतलब जेई लेवल के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा वो भी घुमा कर दिया था, सीधा सीधा इजी। अगर स्टैटिक जीके का बात करें और करंट अफेयर का, तो हाँ नहीं, वो भी था, वो थोड़ा टफ था सामान्य से। हाँ, सामान्य से, जो सामान्य कहने के लिए जनरल नॉलेज है, लेकिन वो जनरल स्टडी था, जनरल नॉलेज में। क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो, ऐसा कोई क्वेश्चन जो याद आ रहा हो जीके का, जीएस का? जीके जीएस का तो ध्यान में नहीं आ रहा है। हिंदी का कोई क्वेश्चन? हिंदी का था मुहावरा, था चार पांच तो था, चार क्वेश्चन मुहावरा का, चार क्वेश्चन मुहावरे से। हाँ, मुहावरा का लगा, ये तो काफ़ी जो है कि रोचक है। हाँ हाँ, अगर 10 क्वेश्चन ये था, सात तो हाथ घी में होना, मुहावरा क्या होता है, लाभ ही लाभ होना, मुझे याद आ गया जैसे आपने कहा था, तो हिंदी का एक क्वेश्चन जो था इस टाइप में। अच्छा, आपके हिसाब से क्या कट ऑफ रहने वाली है इस बार? इस बार वही रहे कट ऑफ 130 के आसपास रहे। अब अकॉर्डिंग टू मान लीजिए कैटेगरी वाइज है ना, मान लीजिए कोई जनरल है, SC ST OBC सबका है, लेकिन वही 130 के इर्द गिर्द रहेगी, चूँकि नॉर्मलाइजेशन भी है, अलग अलग शिफ्टों में कई शिफ्टों में एग्जाम हो रहे हैं। जो JEE एस्पिरेंट हैं, जो किसी भी JEE एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको तैयारी के संदर्भ में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कह रहे हैं कि तैयारी रटने वाली पढ़ाई ना करें, जो एग्ज़ाम का पैटर्न आ रहा है उसके हिसाब से मैं कहूँगा उनके लिए, जो तैयारी करने वाले नए बच्चे हैं, कि भाई आप कॉमन सेंस रखें और क्वेश्चन को समझें, उसके करने का तब करने का प्रयास करें, पूरा सिलेबस कवर करें और प्रैक्टिस ज़्यादा करें। अगर रटने वाला आदत अब नहीं चलेगा, हाँ, तो किस बुक को बच्चे ज़्यादा प्रेफर करें, जैसे जो कम्पिटेटिव बुक हैं? मेरे हिसाब से कम्पिटेटिव पढ़ें, और जो पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस है उनका 3 साल का, वो भी ज़्यादा सिलेबस, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया ना PPCL का, तो जो हमारा पॉलिटेक्निक का सिलेबस है उसको ज़्यादा कवर कर रहा है इस एग्जाम में। स्काडा, माइक्रो प्रोसेसर नहीं, जो भी है, एग्जाम्पल के लिए PLC स्काडा हम बोल रहे हैं आपको, लेकिन जो भी सिलेबस है डिप्लोमा 3 ईयर का वो पढ़े, और कम्पिटेटिव का जो कंपटीशन का जो मार्केट में अवेलेबल है उसको भी पढ़ें, अच्छा रहेगा, अच्छा स्कोर आप कर ले जाएंगे। चलिए, इस बार आपकी सफलता सुनिश्चित करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि प्रतिभागियों ने बताया कि जो भी पेपर अभी तक 4 शिफ्टों में संपन्न हुआ है, वो काफ़ी जो है कि संतुलित पेपर रहा है, और हर सेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आइए हम अगले प्रतिभागी से बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम रोहित शर्मा है। आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? जी, मैंने 155 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 155 जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर रहा, सेकेंड शिफ्ट का, तो पेपर का लेवल कैसा रहा? पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, हिंदी भी बहुत अच्छी थी, और जैसी उम्मीद थी वैसा ही पेपर आया था। पेपर बहुत तैयारी के अनुरूप पेपर था। जो प्रतिभागी अच्छे हैं वो उनका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है, निश्चित तौर से हो जाएगा। तैयारी के संदर्भ में अगर हम बात करें, जो डिप्लोमा की बुक है या कम्पिटेटिव बुक है, किसको ज़्यादा एस्पिरेंट प्रेफर करें? जैसे जो अभी बुक जिसकी ज़्यादा डिमांड भी चल रही है और उससे ज़्यादा क्वेश्चन भी मिले हैं इसमें, तो वो बुक है अपनी यूथ कंपटीशन। हाँ, यूथ कंपटीशन से ज़्यादा सिलेबस है। जो नए एस्पिरेंट हैं, जो अभी प्रारंभिक दौर में हैं तैयारी के, वो उसको प्रेफर कर सकते हैं। हाँ, जो उसके लिए वो बहुत बेटर रहेगी, और मैं मान के चलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर के लास्ट टाइम में उसको पढ़ना चाहिए, और उससे रिवीजन भी उसके ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रत्येक साल के लास्ट ईयर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी उसमें मिलते हैं। अच्छा,
आज के पेपर में भी काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं। इस बार आपके हिसाब से क्या कट ऑफ आने वाली है? मेरे हिसाब से इस बार कट ऑफ लमसम देखा जाए तो 145 के लमसम होगी। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अगले प्रतिभागी से मिलते हैं। जी जी, आपका शुभ नाम? जी, अजय कुमार पांडे है। जी, कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? जी 175 किए हैं। 175 गुड अटेम्प्ट है, ईश्वर करे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो। हाँ, तैयारी के संदर्भ में, एग्जाम के संदर्भ में अगर हम बात करें, आज का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था, तो उसमें क्या आपको नया देखने को मिला? जैसे इसमें सब कुछ मिला कर दिया था, पेपर भी बहुत ईजी था। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इससे सबसे ईजी शिफ्ट होगा यहाँ पे, जो फोर्थ शिफ्ट है। हाँ, ये फोर्थ शिफ्ट मतलब बहुत ही बैलेंस था और बहुत ही अच्छा। ये इसका मेरे हिसाब से मेरिट थोड़ी हाई जाएगी, नियर अबाउट 155 जनरल की जाएगी। आधार शिफ्ट के रूप में इस शिफ्ट को माना जा सकता है। हाँ, ये 155-160 नियर अबाउट ही जा सकती है। जो टेक्निकल का सेक्शन था, जैसे कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बात करें, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, आपका स्विच गियर प्रोटेक्शन हो गया, तो इससे कैसे क्वेश्चन थे? इसे जो बच्चे हाल ही में पॉलिटेक्निक किए हैं उनसे भी मतलब कर सकते थे जी, मगर जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी की है, थोड़ा डीपली नहीं, थोड़ा मीडियम लेवल के पूछे हैं उसने क्वेश्चन, वो हाई नहीं कर सकते उसको। मतलब जो सामान्य तैयारी किया है वो भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, नियर अबाउट 140-145 या 160 भी कर सकता है। नॉन टेक का सेक्शन कैसा रहा? नॉन टेक में रीजनिंग ईजी थी, हिंदी भी ईजी थी, और जीके में 2019 का करंट अफेयर कुछ दो चार सवाल था, और जीके भी अच्छा था, करने लायक। हाँ, जीके का ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो? जीके में जैसे उन्होंने 2019 में कुछ रिसोर्सेज पूछा था, कितना परसेंट था चुनाव का, इलेक्शन मतलब कितना, इलेक्शन में कितना मतलब प्रतिशत हुआ मतलब भारत में, नियर अबाउट 57% में लगा है, आइडिया नहीं था। चलिए, आपके बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि प्रतिभागियों ने बताया कि जो पेपर है बहुत संतुलित है, प्रत्येक शिफ्ट में जो है कि जो ये शिफ्ट है इसको आधार शिफ्ट माना जा सकता है, जैसा कि प्रतिभागियों ने बताया। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें। कैमरामैन अभिषेक मिश्रा के साथ धनंजय मिश्रा, ओमेक सिटी, लखनऊ।